नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से आ रही है, जहां मोरहाबाद इलाके में भीषण गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार के दोपहर रांची का मोरहाबाद इलाका अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बताया जाता है कि कुछ लोगों द्वारा इस इलाके में 6 राउंड फायरिंग की गई। इस घटना में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं गोली लगने से 1 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 1 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पहुंचकर जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार आज लालपुर थाना क्षेत्र स्थित मोरहाबादी मैदान में अचानक गोलीबारी होने लगी, जिसमें 3 लोगों को गोली लग गई। गोली लगने से 1 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि मृत युवक का नाम कालू लामा है। वहीं राजू लामा और शुभम विश्वकर्मा नामक 2 युवक घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची रातू पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। फिलहाल अभी गोलीबारी के कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं गोलीबारी की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। राजधानी में हुई इस घटना के बाद लोग कहने लगे हैं कि रांची में अपराधियों का मनोबल कुछ ज़्यादा ही बढ़ चला है, और उसी की वानगी है कि अपराधी अब दिन दहाड़े भी गोलियां बरसा देते हैं। वह भी उस इलाके में जहां JMM सुप्रीमो शिबू सोरेन के साथ साथ DC और SSP का आवास भी है। अपराधियों के मनोबल का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 6 राउंड से ज़्यादा फायरिंग की। इस गोलीबारी में 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें 1 की मौत हो गई। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।